एवरीवन, महनूर हेयर फ्रॉम इफ्रा डिज़ाइंस। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमने लोगो कैसे बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली जो क्लाइंट रिक्वायर कर रहा था वो मैं आपको नेम बताती हूँ उसका। क्लाइंट जो चाह रहा है वो है जी कैट, क्लियर है। तो उसमें ये चाह रहा है कि कैट हो, कैट का कोई भी पार्ट हो सकता है, बॉडी पार्ट, ठीक है। आपने उसको यूज़ करना है और वो जी के अंदर होना चाहिए। इसको मैं सिंपलीफाई करके आपको दिखा देती हूँ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। जी कैट ये लोगो का नेम है, ठीक है। तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसमें वो ये चाह रहा था कि एक जी हो इस तरह करके, कोई इलस्ट्रेशन टाइप बनी हो, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे ना बिल्ली के आप पॉज ले लें, ठीक है। कुछ भी आप पॉज ले लें तो बड़ी अच्छी बात है, टू इधर उसको आइकन्स चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम साइड पे करते हैं, ठीक है। तो ये तो वैसे ही हमारा जी बन गया है क्लियरली, लेकिन फिर भी हमें एग्जैक्ट चीज़ चाहिए होती है, ये कर्व वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेन टूल यूज़ करेंगे। हम एक लेयर जिस पे हमने ये ट्रेस किया उसको हम लॉक कर देते हैं, एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, पेन टूल, ठीक है। अच्छा, इधर से हम क्या लेंगे, पेन टूल। पेन टूल क्या करता है, हमारी ट्रेसिंग में हेल्प करता है। इसके लिए हमने न्यू लेयर ली है और हम अपनी ट्रेसिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से लिया, ये वाले पार्ट को ट्रेस किया, ठीक हो गया। थोड़ा सा कर्वी कर देते हैं अपने लिहाज से, ठीक है, ये चीज़। बाकी नेक्स्ट फिर हम देखेंगे इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह इसको हमने कर्व करते जाना है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी कर्व थी ना इतनी परफेक्ट नहीं थी, इसको हमने कैसे खुद से मैनेज करना है, ये ऐसे करके, ठीक है, क्लियर है सबको। मतलब इस तरह की कुछ शेप जा रहा है क्लाइंट, और इसको हमने इस तरह ट्रेस कर लिया, ठीक हो गया। हम इसको कर देते हैं थोड़ा साइड पे। अब आप खुद डिफरेंस दे सकते हैं कौन सी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा हमारा क्या है, डिफेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। और कहीं भी आप नोट कर सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लॉ लगे ना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रश टूल लेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ सिंपली ड्रैग कर देंगे। इसको पहले हमने क्या है, सिलेक्ट करना होगा, ब्रश टूल लिया और यहाँ पे सिंपली ये देखें, थोड़ा कर्वी भी हो गया और हमारी लाइन भी ठीक हो गई है, ठीक हो गया। क्योंकि हमने सिंपली हैंड से ड्रॉ करना था इसलिए इसको हमने परफेक्ट करना है। ये हमारा जी हो गया, ठीक है। अब इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं, 6 और मे बी 10 इज इनफ, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें पॉज भी ऐड करने हैं तो हम क्या करेंगे, फ़िलहाल ये वाली लेयर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जी हो गया। अब हमें क्लाइंट ने क्या कहा था, यहाँ पे उसे टू सर्कल्स में कुछ भी हो सकता है, बिल्ली या कैट, जो दोनों में से उसका कोई भी पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने वो एक डाउनलोड किया हुआ है, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे ले आए, ठीक है। को मिनिमाइज करने के लिए हमने स्क्रीन को स्मॉल कर लिया, सिंपली कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, ऑल्ट और शिफ्ट एक साथ दबाने से हम क्या करते हैं, दोनों डायमेंशन से हमारा जो है आइकन स्मॉल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा एक हो गया, इसको हम थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं, और ऑल्ट प्रेस करने से हम इसकी कॉपी ले लेते हैं और ये कर दिया, ठीक हो गया।
अब जिस तरह हम देखें ये हमारे जो कैट के पॉज हैं ये सर्कुलर शेप है, ठीक है, और ये हमारा कॉर्नर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये चाह रहे हैं कि इसको भी हम थोड़ा सर्कल में कर दें, ठीक है। तो हम इसका एक साइज़ बढ़ाते हैं, इतना आई थिंक इनफ है। ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, इससे क्या है इसको जो हमारा स्ट्रोक था ये फिल हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हमने क्या करना है, फिर सिंपल ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लिया और यहाँ से इसको कर्व कर दिया, ठीक हो गया। ये देखें अब हमारा जी क्या है, कर्वी शेप में आ गया, ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, ये हमारा क्या बन गया है, लोगो का आइकन इज रेडी। अब हम ऐड करेंगे लोगो का नेम, लोगो का नेम हमारा था जी कैट, ठीक है। अब ये जो हमारा टेक्स्ट का फॉन्ट होता है ये बहुत डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, कि आप लोगो किस निच के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये एनिमल निच है बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके लिए हम कुछ ऐसा फॉन्ट लाएंगे जो इसको क्लिक कर जाए, ठीक है। तो हम इसके लिए करते हैं जी कैट के लिए ये वाला फॉन्ट, ये है ब्यूटी एंड द बीस्ट का, ठीक है, फॉन्ट का नेम है। सिंपली ये हमारा क्या है, लोगो रेडी हो चुका है। अब बस इसकी थोड़ी आपने क्या करना है, सेटिंग्स करनी है, ठीक है। आइकन को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, एस, ठीक है। और अपने फोन को भी थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इसका बैकग्राउंड अगर हम ब्लैक में ले रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम इसका येलो में लें ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए जो हमारा लोगो है, ठीक है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, ठीक हो गया। और ये जी हमारा लोगो तैयार फॉर जी कैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर ट्यूटोरियल्स रिलेटिंग लेक्चर्स एंड लोगो डिजाइनिंग।